वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम नीरू है और मैं आपके लिए कर रही हूँ एसएससी टीयर वन पेपर। पेपर कोड 943 आपके लिए सॉल्व करूँगी मैं और उसका जीके सेक्शन ले रही हूँ। ये पेपर मैं आपके लिए हिंदी मीडियम में सॉल्व करूँगी। ये जो पेपर है ये स्टाफ सेलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा दिया गया था 2017 में। तो ये एक प्रीवियस ईयर पेपर है जो सीजीएल टीयर वन के लिए दिया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है। यहाँ पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। तो पहले तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की जो आमदनी है, इनकम है, वो बढ़ती है तो चीज़ों की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप डिमांड कहाँ से करेंगे। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड फेल होने का मतलब क्या हुआ कि अगर इनकम बढ़ती है तो जो डिमांड है वो उस चीज की घट जाती है। यानी कि जब आपके पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो आप उस चीज को नहीं लेना चाहते हैं। ये किस केस में सच होता है? ये सच होता है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जब आपकी इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड घट जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग बाय बस है आपका, ठीक है। ट्रैवलिंग बाय बस जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप बस को इस्तेमाल करना चाहते हैं एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपको बस में चलने में शर्म आने लगती है और आप कहते हैं नहीं, मैं तो टू व्हीलर ले लेता हूं, या फिर नहीं, फिर आप कार पर भी जाना चाहते हैं। ये एक इंफीरियर गुड का एग्जांपल है। तो 26 के लिए आंसर जो है हमारा सी है। यहाँ देखो मैच द फॉलोइंग है। ये एक तरफ आपको फॉर्म ऑफ मार्केट दी गई है, बाजार का प्रकार दिया गया है, दूसरी तरफ उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एग्जैक्टली वो क्या होता है। ओलिगोपॉली क्या होता है? इसको कहा गया है अल्पाधिकार, ओके। मोनोपोली एकाधिकार क्या होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है? आपको अच्छे से पता है मोनोपोली में एक ही आपका सेलर होता है, तो वन सेलर बट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो इसका आंसर जो है टू जो है वो सी के साथ मैच होता है। टू सी के साथ केवल यहां पर है, ओके। फिर वन जो है ओलिगोपॉली, ये क्या होता है? अ फ्यू बिग सेलर्स, इसमें कुछ बड़े सेलर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स होंगे। तो क्वेश्चन 27 आंसर जो है वो ए है। 27 विल बी ए। How many fundamental rights are mentioned in Indian Constitution? How many fundamental rights are mentioned in Indian Constitution? यहाँ पर देखो जो Indian Constitution है उसमें तो केवल 6 mentioned है। ध्यान से पढ़ो क्योंकि अब तो 7 हो गई हैं, Supreme Court ने एक और इंक्लूड कर दी है, लेकिन वो fundamental right जो है वो भी वो संविधान में mention अगर पूछा गया है तो 28 के लिए आंसर जो है वो बी होगा। संविधान में mention की गई है right to equality, freedom, exploitation, freedom, right to freedom of religion, culture and educational rights and right to constitutional remedies। Question number 28 के लिए answer जो है वो B होगा। 28 will be B। Which of the following article or articles cannot be suspended during emergency? निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेदों के को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? Article 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता। Answer 29 के लिए B होगा। Who was the first Viceroy of India? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? Question number 30। यहाँ पर Viceroy होना चाहिए। Who was the first Viceroy of India? Question 30 आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ओके। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में और उसके बाद ऑफिस ऑफ Viceroy क्रिएट किया गया था। लॉर्ड कैनिंग जो है वो प्रथम Viceroy बने। 30th आंसर ए है। किसने लिखी है न्याय सूत्र? क्वेश्चन 31। न्याय सूत्र जो है ये लिखी है गौतम ने। आंसर बी होगा। न्याय सूत्र जो है ये एंशियंट इंडियन संस्कृत टेक्स्ट है, ये लिखी है गौतम ने। एंड द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ न्याय स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। 31 आंसर बी होगा। Earth's deepest point in water is Mariana Trench. It is located in which of the following oceans? Mariana गर्त जो है ये पृथ्वी में पानी का सबसे गहरा गर्त है। ये किस महासागर में स्थित है? ये स्थित है Pacific Ocean में। 32 के लिए आंसर जो है ये D है। Mariana Trench जो है deepest part of world's oceans है। ये West Pacific Ocean में located है। आंसर होगा D, Pacific Ocean। Maasai is a tribe of which of the following country? Maasai जो है question number 33 ये कीनिया में है। Maasai ethnic group है जो tribes का, ये southern कीनिया में पाए जाते हैं। 33 answer A है। ये लोग अपने distinctive customs, dress, culture इन सब के लिए जाने गए हैं। Answer A।
विद विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गेन इज पेसमेकर एसोसिएटेड, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? पेसमेकर जो है वो आपके हृदय से, हार्ट से संबंधित है. ओके, इसका नाम ही इसको समझाता है कि इसका फंक्शन क्या होगा. जो पेसमेकर है ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको फिट किया जाता है चेस्ट या एब्डोमेन में, और उसके बाद ये जो हमारी अबनॉर्मल हार्ट बीट होती है उसको कंट्रोल करता है और हार्ट को प्रॉम्प्ट करता है कि वो नॉर्मल तरीके से बीट करे. 34 आंसर सी हार्ट, 34 इज सी. हेमोग्लोबिन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ, हेमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? हेमोग्लोबिन जो है ये आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में. इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ये रेड ब्लड सेल का. ये ऑक्सीजन कैरियर के रूप में काम करता है. आंसर होगा 35 के लिए बी. अनीमिया इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण अनीमिया होता है? अनीमिया जो है ये आयरन की कमी के कारण होता है. क्वेश्चन नंबर 36 बी. अनीमिया जो है इट इज अ डिक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, जिसकी वजह से ये डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से होगा. 36 आंसर बी. What is the minimum distance in meters required to hear an echo? Echo होती है प्रतिध्वनि, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? ओके, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी जो आवाज है वो किसी चीज से, किसी दीवार से टकरा कर मान लीजिए वापस आती है, तो जिस चीज से वो टकरा कर वापस आती है, जिस चीज से वो टकराती है उसको रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो कम से कम 17 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 37 आंसर जो होगा वो सी है. 37 इज सी, 17 मीटर्स. Why does a blackboard appear black in color? Why does a blackboard appear black in color? ये आपका क्वेश्चन है 38. अब इसमें पूछा गया है ब्लैकबोर्ड काला क्यों है? ब्लैकबोर्ड इसलिए काला है क्योंकि वो सारे कलर्स अब्सॉर्ब कर लेता है. 38 के लिए आंसर जो है हमारा डी है. आंसर डी. Which one among the following is a main system board of a computer? निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? मदरबोर्ड. आंसर डी होगा. मदरबोर्ड मेन होता है. ओके, मेन सिस्टम बोर्ड में फाउंड इन जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होगा. ये होल्ड करता है और अलाउ करता है कम्युनिकेशन बिटवीन मेनी ऑफ द क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम. 39 आंसर डी. Which among the following metal is used for galvanization? बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है जिंक का. ओके, ये एक प्रोसेस होती है जिससे हम एक कोट लगाते हैं जिंक मेटल का ओवर आयरन मेटल, और ये इसलिए किया जाता है टू प्रिवेंट द करोजन ऑफ आयरन मेटल. 40th आंसर ए. ड्राई आइस क्या है? सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? क्वेश्चन नंबर 41. यह है सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड. आंसर ए होगा. ओके, इसको यूज किया जाता है कूलिंग एजेंट. एडवांटेजेस इसकी ये है कि उसकी जो एडवांटेजेस है इसमें लोअर टेम्परेचर हो जाता है देन दैट ऑफ वाटर आइस, और ये कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ती. 41 आंसर ए. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं ड्राई आइस. निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल? इसमें आंसर है आपका इकोसिस्टम. आंसर होगा सी, इकोसिस्टम. 43. ये जो पेपर मैं आपके लिए कर रही हूँ ये 2017 में आया हुआ पेपर है और ये करंट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, करंट इवेंट से. चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश लॉन्च्ड अ मेडिकल स्कीम फॉर एपीएल फैमिलीज. एपीएल का मतलब होता है अबव द पॉवर्टी लाइन. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्कीम? तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे जिस टाइम ये क्वेश्चन पेपर बना वो थे चंद्रबाबू नायडू. उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी 1 जनवरी 2017 से, और इस स्कीम को जो ये जो स्कीम थी इसमें क्या किया जा रहा था, इस स्कीम ये जो स्कीम थी ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए थी उन लोगों के जो अबव द पॉवर्टी लाइन है, और उनको प्रीमियम देना था 1200 रुपये प्रीमियम पर एनम, और इस स्कीम को क्या नाम दिया गया? आरोग्य रक्षा. 43 आंसर बी, आरोग्य रक्षा. Who discovered X-rays? 44. X-ray की खोज किसने की है? X-ray की खोज करने में नाम आता है W.C. Rodzen. इनका नाम आता है. ये जर्मन प्रोफेसर थे फिजिक्स के, पहले व्यक्ति जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है रेडिएशन इन्होंने डिस्कवर किया इन अ वेवलेंथ रेंज जिसको आगे जाकर वर्ल्ड एक्सरेज के नाम से जानता है. ओके, तो आंसर क्या है इसका? आंसर है 44 के लिए ए.
हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ वाटर पोलो टीम, एक वाटर पोलो टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 आंसर जो है 7 होते हैं. ओके, वाटर पोलो एक कॉम्पिटिटिव टीम स्पोर्ट है, ये खेला जाता है पानी में दो टीम्स के बीच में, तो आंसर है इसका एक टीम में 7 सदस्य होंगे. लावणी, लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है. 46, लावणी इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट इन इंडिया. लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है. लावणी जो है लेडीज इस डांस को परफॉर्म करती हैं, एक लंबी सी साड़ी पहनती हैं वो, और उसके बाद वो ढोलकी की थाप पर नाचती हैं. ओके, और ये जो लावणी है ये परफॉर्म किया जाता है महाराष्ट्र में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था मराठी फोक थिएटर का भी. 46 आंसर ए. Who is being awarded with Asian Award 2016 as the Chivas Social Entrepreneur of the Year? ये किसको दिया गया? किस वर्ष में चिवास सामाजिक व्यवसाय के लिए एशियाई पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्वेश्चन नंबर 47 के लिए है विक्रम पटेल. 47 के लिए आंसर जो है वो ए होगा, आंसर ए. आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है. आप समझ सकते हैं कि ये पुस्तक लिखी होगी कैलाश सत्यार्थी ने, क्योंकि इन्होंने जो बच्चे मजदूर हैं उनको आज़ाद कराने के लिए बहुत काम किया है, और 2017 का जो नोबेल प्राइज था वो इनको दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को फॉर पीस. क्वेश्चन नंबर 48 आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी. इंडिया बाय द नाइल ये कल्चरल फेस्टिवल है जो भारत और किस दूसरे देश में, भारत और किस दूसरे देश के बीच है. अब ये जो इंडिया बाय द नाइल ये कल्चरल सेलिब्रेशन था, ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया एम्बेसी ऑफ इंडिया इन इजिप्ट एंड टीम वर्क आर्ट्स ने, और ये सेलिब्रेशन था ऑफ द एसेंस ऑफ इंडिया थ्रू क्लासिकल म्यूजिक, डांस, फूड एटसेट्रा. ओके, इंडिया बाय द नाइल, आप एक अंदाजा भी लगा सकते थे कि नील नदी जो है वो कहाँ बहती है, वो बेसिकली इजिप्ट से संबंधित है. सो 49 आंसर हमारा सी होगा. अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अंतिम प्रश्न पर. शेख हसीना भारत के किस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री हैं. आंसर है बांग्लादेश. ओके, बांग्लादेश इसका आंसर होगा, तो आंसर है यहाँ पर बी. और ये आपका अंतिम प्रश्न था, ये जो पेपर था ये SSC CGL 2017 में टीयर 1 में आया हुआ है. ओके, ये जो मैं वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ पिनाकल की ओर से जो वीडियोस आ रहे हैं, ये CHSL के लिए, CGL के लिए, सभी के लिए काफी फायदेमंद होंगे. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.